ऑलराइट फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें 31st क्वेश्चन हमें दे रखा है। एन ओपन एंड मैनोमीटर अटैच्ड टू अ फ्लास्क कंटेनिंग अमोनिया गैस हैज नो डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल इनिशियली इन इट्स टू लिम्स। तो हमें एक ओपन एंड मैनोमीटर दे रखा है, उसके एक एंड पे फ्लास्क अटैच्ड है और दोनों जो लिम्स हैं उनमें मर्क्यूरी लेवल इक्वल दे रखा है। आफ्टर स्पार्किंग इन टू द फ्लास्क अमोनिया इज पार्शली डिसोसिएटेड एज फ्लास्क जो इसमें अटैच्ड है उसमें हम स्पार्किंग कर देते हैं और अमोनिया जो है वो पार्शली स्प्लिट कर जाती है शोन एज बाय दिस इक्वेशन। और क्योंकि अमोनिया स्प्लिट कर जाती है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट में बढ़ रहे हैं। देखिए, दो अमोनिया जब स्प्लिट करती है तो एक मोल नाइट्रोजन का बनता है, तीन मोल हाइड्रोजन के बनते हैं, टोटल 4 moles प्रोडक्ट साइड पे बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस वजह से जो टोटल प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज करेगा। इस वजह से देर इज अ डिफरेंस ऑफ 18 centimeters इन मर्क्यूरी लेवल इन टू द कॉलम्स। सो हमारे पास देर इज अ डिफरेंस ऑफ 18 levels। पूछा गया व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है ये हमें बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे जब इसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। से देयर इज दिस ओपन एंड मैनोमीटर ऑन वन साइड और यहां पे इस फ्लास्क में हमें दे रखा है इनिशियली देयर इज अमोनिया और अमोनिया अपना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। And on the right hand side we have the atmosphere exerting its pressure PATM. Alright, अब दोनों तरफ limbs में initially no difference is there in mercury level. तो हम ये कह सकते हैं कि initially the partial pressure of ammonia or exact pressure of ammonia was equal to the atmospheric pressure. और atmospheric pressure जो है वो हम लेंगे यहाँ पे 76 centimeters of mercury in terms of mercury height. अब इस फ्लास्क में देर इज अ सडन स्पार्क, हम यहाँ पे कुछ स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से दिस अमोनिया पार्शली स्प्लिट्स और वो इक्वेशन जो है हमें दे रखी है दैट इज 2NH3 इन गैशियस फॉर्म। दिस स्प्लिट्स पार्शली एंड वी एंड अप गेटिंग नाइट्रोजन इन गैशियस फॉर्म एंड हाइड्रोजन इन गैशियस फॉर्म। तो यहाँ पे 2 moles स्प्लिट कर रहे हैं और 4 moles प्रोडक्ट साइड पे बन रहे हैं। अब एट T इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स इनिशियली जब रिएक्शन शुरू होता है तब सिर्फ अमोनिया ही अपना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, दैट इज 76 centimeters ऑफ मर्करी। नाइट्रोजन अभी बना नहीं है और हाइड्रोजन भी अभी बना नहीं है, तो इनके प्रेशर जीरो हैं। अब क्लियरली जब इक्विलिब्रियम आता है, एट इक्विलिब्रियम अमोनिया पार्शली स्प्लिट कर जाती है, तो मान लेते हैं कि अमोनिया जो है उसमें जो स्प्लिटिंग हुई है दैट इज अबाउट 2x। तो जब 2x moles of ammonia split कर जाते हैं तो हमारे पास x moles बनते हैं nitrogen के और 3x moles बनते हैं hydrogen के। Now pressure of any gas is directly proportional to the number of moles of that gas। तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि 2x moles ammonia के split कर गए हैं तो जो बचे हुए moles होंगे उनके कारण जो pressure आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, that will be corresponding to 2x, say that is 76 minus twice p। तो ये प्रेशर बच गया है ड्यू टू अमोनिया, जो बची हुई अमोनिया है, और यहाँ पे जो प्रेशर बढ़ेगा ड्यू टू नाइट्रोजन से दैट विल बी पी एंड द प्रेशर जो बढ़ेगा ड्यू टू हाइड्रोजन दैट विल बी थ्राइस पी। राइट, सो अगर हम टोटल प्रेशर देखें, ये है ड्यू टू नाइट्रोजन ड्यू टू अमोनिया, दिस इज ड्यू टू नाइट्रोजन एंड दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, तो जो टोटल प्रेशर आपके पास आएगा दैट विल बी इक्वल टू 76 माइनस ट्वाइस पी प्लस पी प्लस थ्राइस पी। तो ये आपके पास आया 76 माइनस ट्वाइस पी प्लस पी इज माइनस पी प्लस टू पी प्लस थ्री पी इज प्लस टू पी, तो आपके पास इवेंचुअली ये बच जाता है 76 प्लस ट्वाइस पी इसको ऐड करने पे। अब नाउ दिस इज द टोटल प्रेशर इन द फ्लास्क, फ्लास्क के अंदर ये टोटल प्रेशर हो जाता है एट इक्विलिब्रियम, और ये प्रेशर जो है ये अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा है बाय एन अमाउंट ट्वाइस पी, जिसकी वजह से जो मर्करी लेवल है दोनों कॉलम से वो सेम नहीं रहता। लेफ्ट हैंड साइड पे जो मर्करी लेवल है ये नीचे चला जाएगा और राइट हैंड साइड पे जो मर्करी लेवल है ये ऊपर आ जाएगा और हमारे पास कुछ डिफरेंस आ जाएगा एंड दैट डिफरेंस इज गिवन टू अस एज 18 centimeters। राइट, इन द राइट लिम्ब जो मर्करी लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है बाय 18 centimeters बिकॉज लेफ्ट लिम्ब पे जो टोटल गैस प्रेशर है वो बढ़ गया है। तो हम अब लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम होगा क्या कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे प्रेशर तो सेम रहेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जो प्रेशर है लेफ्ट लिम्ब में जो प्रेशर आएगा दैट विल बी इक्वल टू
दी प्रेशर 76 प्लस ट्वाइस पी, दिस इज दी प्रेशर इन साइड द फ्लास्क, एंड ऑन द राइट हैंड साइड जो हमारे पास प्रेशर आएगा दैट विल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 प्लस द एडिशनल प्रेशर ड्यू टू द मर्करी हाइट. ये जो एडिशनल प्रेशर आ जाएगा ड्यू टू मर्करी हाइट जो हमारे पास आ रही है 18 सेंटीमीटर, दिस टोटल हाइट इज 18 सेंटीमीटर. राइट, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएंगे. अब यहाँ से 76 कैंसिल हो रहा है, आप सॉल्व करते हैं फॉर ट्वाइस पी, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 18 और यहाँ से आपके पास पी आ जाता है इक्वल टू 9 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी. राइट, बट हमसे पूछा गया व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 3 टाइम्स पी, दैट मीन्स 3 टाइम्स 9, दैट मीन्स 27 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी. राइट, सो द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज द थर्ड वन. राइट,